हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर टाइम एंड वर्क, एक्सरसाइज 13 है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6 से, ठीक है, क्योंकि 6 से पहले वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन 6 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स, वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 16 आवर्स। इफ ए बी सी वर्क टूगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स कैन सी अलोन फिनिश द वर्क। देखो, अब इसमें सिंपल से पूछा है कि अगर सी अकेले काम करेगा तो कितने घंटे में काम कर पाएगा, ठीक है, तो इसे चलो फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में कह रहा था कि अगर ए काम कर रहा है ना, ठीक है, ए कैन डू अ वर्क इन कितने आवर्स कर रहा था, 24 आवर्स, ठीक है। अगर ये ए काम करता है तो 24 आवर्स में वो एक काम कंप्लीट कर लेता, ठीक है। तो अगर ये 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता तो हम निकालेंगे अगर ये एक घंटे काम करेगा तो कितना कर लेगा, ठीक है। तो सिंपल से लिखेंगे, ए कैन डू अ वर्क इन 1 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, 1/24, ठीक है। 1/24 क्या, तो ये था 24 घंटे उसने काम किए। तो हमने क्या निकाला, इसमें हमने निकाला कि अगर वो एक घंटे काम करता है तो कितनी देर कितना काम कर पाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/24, 24 ये आवर्स है ना, वही लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा था, अगर बी काम करता है, बी कैन डू अ वर्क इन कितने आवर्स था, 16 आवर्स, ठीक है। अब देखो, इसका बोला गया 16 आवर्स इस काम कर रहा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले 1 आवर्स के, इन 1 आवर्स इक्वल्स टू 1/16, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। कह रहा है कि अगर ए बी सी अगर साथ में काम करते हैं तो वो कंप्लीट कर लेते हैं कितना, 8 आवर्स में, ठीक है, वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे कि अगर ए बी सी कैन डू अ वर्क टुगेदर, अगर ये साथ में काम करते हैं तो देखो कितना काम कर लेंगे, ठीक है, जो भी काम करेंगे वो कितने आवर्स में कर लेंगे, 8 आवर्स में, ठीक है। ए बी सी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 8 आवर्स में काम करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इन्हीं का हम निकाल लेंगे अगर ये साथ में सिर्फ एक घंटे काम करते हैं, इन 1 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो हमने सबको 1 आवर्स में सबका फाइंड निकाल लिया है, ठीक है, फाइंड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल से निकालेंगे ए बी सी, क्वेश्चन क्या भी रहा ना कि हमें सी निकालना है, और हमें सी हमारे पास है भी नहीं, तो हम सिंपल से करेंगे ए बी सी कैन वर्क टुगेदर तो क्या करना है, ए कितना था हमारे पास, 1/24, बी हमारे पास कितना था, 1/16, ठीक है, प्लस सी, सी तो हमें फाइंड करना है, तो वो हमने लिख दिया सी इक्वल्स टू, और ये कितना निकाला था, अगर ये सारे काम करें कितने टाइम में कर लेंगे, 1/8, ठीक है। अब देखो समझो, ये हमने क्या किया, अगर सी को फाइंड करना था और इसने कहा था अगर ये टोटल काम करे तो इतनी देर में ये काम कर ले जाएंगे, ठीक है, और हमें फाइंड भी करना था सी, तो हमने क्या किया, इनको तीनों को प्लस किया, इक्वल्स टू में ये कर दिया, है ना, समझ गए इतनी बात। तो अब देखो क्या करो, इन दोनों का ना एलसीएम ले लो, पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 48, 48, 24 टू जो और 16 थ्री जो, ठीक है, प्लस सी है ना, तो इसको सी रहने दो, इक्वल्स टू 1/8, ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे करो इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस में कर देना, फिर सॉल्व कर लो, तो इन दोनों कितना आ जाएगा, 5/48 प्लस सी इक्वल्स टू 1/8, सी इक्वल्स टू 1/8 माइनस 5/48, ठीक है, 5/48। अब दो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 48, ठीक है, तो 8 5 से 48 6 से 48, तो 6 माइनस 1 टाइम जाएगा 1 ऊपर, तो 5, इनका माइनस करो 1/48, ठीक है। तो ये किसका, सी निकला है हमारा 1 आवर्स का, ठीक है, 1 आवर्स का। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टोटल नंबर, टोटल आवर्स में,
तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 1/48 इक्वल्स टू 1 × 48/1। इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, कितना आ जाएगा 48 आवर्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स एंड बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व होगा, चलिए करते हैं। तो देखो इसमें बिल्कुल हमने जैसे 6 किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, अगर ए बी सी साथ में काम करते हैं तो हमारे पास कितने टाइम में कर लेते हैं, 8 आवर्स में फिर से कर लेते हैं ये ए बी सी, ठीक है, वर्किंग टुगेदर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 8 आवर्स, 8 आवर्स में वो काम करते हैं, ठीक है। अगर ये 8 आवर्स में कर रहे हैं तो हम सिंपल से इसका 1 आवर्स का निकाल लेते हैं। अगर ए बी सी, ठीक है, अगर साथ में काम करेंगे 1 घंटे 1 आवर्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले इन्होंने साथ में काम किया 8 घंटे, हमने निकाली कि अगर वो 1 घंटे काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क अगर 20 घंटे करता है ना, तो ए हमारा वर्क कर रहा था, ए अलोन डू 20 आवर्स और बी कर रहा था 24, हाँ, तो ए वर्क कर रहा है हमारा, ए कैन डू अ वर्क वर्क इन 20 आवर्स, ए हमारा काम कर रहा है 20 घंटे, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए अगर हमारा 1 घंटे काम करता वर्क इन 1 आवर्स, कितना हो जाएगा, 1/20, ठीक है। अब देखो बी कैन वर्क डू, बी कैन डू अ वर्क इन 24 आवर्स, अब हमारा जो बी है ना वो 24 आवर्स काम करता है, तो हम इसका फाइंड कर लेंगे कि 1 घंटे में कितना करेगा, 1 आवर्स इक्वल्स टू 24 1/24, ठीक है। तो हमने 1 घंटे का तीनों का निकाल लिया। अब इसमें देखो पूछा था कि सी कितना काम करेगा अगर वो अकेले काम करता है तो कितने टाइम लेगा काम करने में, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये वर्किंग टुगेदर बोल रहा है ना तो इसको सिंपल सा वही कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी वर्किंग टुगेदर इन 1 आवर्स, 1 आवर्स होगा ना, तो हम सबका लेंगे, ए कितना था 1/20, बी कितना था हमारे पास प्लस में 1/24, और देखो सी कितना है, सी तो था ही नहीं, तो हमें सी को करना पड़ेगा फाइंड, है ना, तो प्लस सी लिख दो यहाँ पर, इक्वल्स टू कितना था 1/8, ठीक है। अब क्या करो, सी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अब 1/8 इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, इक्वल के साइड ले जाएंगे तो ये सारे माइनस को हो जाएंगे, ठीक है, तो 1/24 माइनस, अब इसका हम करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 120, ठीक है, 8 से इसे डिवाइड करो कितना टाइम जाएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई 15 आएगा, 20 से कर दो तो 6 हो जाएगा, अब 24 से कर दो तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अब इसको करो क्या, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 11 में 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास आएगा 4, तो 4/120, जब हमारे पास 1 घंटे का आया ना सी हमारा आ गया है 4/120, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसे कैंसिल करो, कितना 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 30 हो गया। अब ये तो 1 घंटे का आया है ना, तो हम निकाल लेंगे इसे 1/1/30 इक्वल्स टू 1 डिवाइड जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 30/1 तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये काम, ये लास्ट वाला प्रोसेस और ये वन वाला, ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, समझ गए। 7 नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डे 12 डे रिस्पेक्टिवली. ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डे, दो दिन तक काम किया. ही वॉज देन इज ज्वाइंट बाई बी, फिर उसने ज्वाइन कर लिया बी को. ठीक है, फाइंड अ टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क. अब बताना है कि उन्होंने भैया कितना टाइम लिया है काम को फिनिश करने में. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो पहले हमारे पास क्या गिवन है कि ए कह रहा है 16 डे काम करता है. ठीक है, तो हम उसे निकाल लेते हैं. ए, क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन डू अ वर्क 16 डे. ठीक है, अब क्या करना है, अब ए का ही निकालेंगे कि अगर एक दिन में कितना काम करता है, ये निकालेंगे. ए कैन डू अ वर्क इन वन डे इक्वल्स टू 1/16. ठीक है, ये हो गया. अब क्या है, बी भी गिवन थे. अब देखो बी कितना कर रहा था, बी कैन डू अ वर्क. ए हमारा 16 डे कर रहा था, तो बी कितने डे किया, 12 डेज. तो हम बी का भी निकालेंगे, बी कैन डू अ वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू 1/12. ठीक है, अब कह रहा है कि ए ने 2 दिन तक काम कर लिया. ठीक है, मतलब 2 दिन पहले स्टार्ट किया, उसके बाद ही तो उसे ज्वाइन किया इसके साथ काम करना. तो हम इसका जब 2 दिन पहले उसने स्टार्ट किया तो हम उसका निकालेंगे. देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डे. तो यहाँ लिखते हैं वर्क एट इट 2 डेज. ठीक है, तो 2 दिन पहले उसने स्टार्ट किया होगा, सिंपल सी बात है. तो हमने क्या निकाला कि उसने 2 दिन में कितना काम कर लिया. ठीक है, हम ये फाइंड करेंगे कि उसने 2 दिन में कितना काम किया. तो देखो अगर वो 2 दिन में, 1 दिन में इतना काम कर रहा है, तो 2 दिन में काम करेगा तो कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/16 करेंगे, तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 8. ठीक है, तो 1/8 आ जाएगा, समझ गए. ये देखो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि कहा है क्वेश्चन ने कि जो ए था ना, ए ने 2 दिन पहले स्टार्ट कर दिया, तो मतलब 2 दिन पहले स्टार्ट किया है तो 2 दिन पहले कुछ तो काम किया होगा, है ना. तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर 2 दिन पहले उसने काम को स्टार्ट किया होगा तो 2 दिन में कितना काम कर डाला होगा, 1/8 पार्ट उसने काम कंप्लीट कर डाला होगा. ठीक है, अब कह रहा है इतना काम हो जाने के बाद वो बी को ज्वाइन कर लेता है, फिर पूछा कि वो टोटल वर्क कितना कंप्लीट करेंगे. अब देखो उसने इतना वर्क क्या हुआ था, ये कंप्लीट कर लिया था 2 दिन में. अब फिर इतना कंप्लीट करने के बाद कितना बचा, है ना, जो बचा होगा उसी से ही. तो देखो समझो, अगर ये सपोज एक वर्क है, ये लाइन समझो वर्क है. ठीक है, ये लाइन एक वर्क है, ए ने स्टार्ट किया यहाँ से, तो 2 दिन यहाँ तक पहुँच गया काम करने में. ठीक है, 2 दिन तक उसने काम किया तो यहाँ तक पहुँचा. ठीक है, 2 दिन बाद काम करने के बाद उसने ज्वाइन कर लिया बी को, ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से. तो वही, तो ए ने जब इतना यहाँ तक काम किया उसका ये आ गया. अब जितना काम बचा है, मतलब ये काम बचा है ना, इसको हम निकालेंगे. इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम करेंगे, लिखेंगे रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1 − 1/8. ठीक है, रिमेनिंग वर्क मतलब 1 से माइनस कर देंगे, सिंपल से एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 8 − 1 तो कितना आएगा, 7/8. ये हो जाएगा इतना काम बचा हुआ है. ठीक है, अब देखो कह रहा है कि अब इतना काम बचने के बाद ए ओ बी, अब यहाँ से ए ओ बी ने काम करना साथ में चालू कर दिया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क टुगेदर का निकाल लेंगे. ए एंड बी कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क. पहले निकालेंगे ए एंड बी वर्क टुगेदर का. ठीक है, ये बाद में निकालेंगे, वर्क टुगेदर. अब ये साथ में काम कर रहे तो ए का कितना था, 1/16, बी का कितना था, 1/12. तो 1/16 प्लस 1/12. ठीक है, एलसीएम लो कितना आ जाएगा, 48. 16 3 + 4 4 3 7/48.
ये आ जाएगा हमारा कि अगर इन दोनों ने साथ में काम किया कितना, इतना काम किया। ठीक है, अब देखो क्या बचा था कि इतना काम बचा हुआ था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो करो क्या, ए एंड बी कैन कंप्लीट कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ए और बी काम कर रहा है कितना, रिमेनिंग वर्क, तो क्या होगा 7/8 था रिमेनिंग, क्या बचा था ये ना 7/8, ठीक है, बाय 7/48, 7/48। तो अब क्या करो कि 7 का इससे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, ठीक है, तो जब इसके इसके साथ हो जाएगा तो क्या क्या लिखेंगे, 7/8 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 48 और ये नीचे तो 7, ठीक है, तो क्या हो सकता है 7 और तो 7 से 7 कैंसिल और 8 से 48 कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 डेज। तो ये हुआ हमारा आंसर, है ना, कितना इजी, समझ में आ गया ना। तो ये रिमेनिंग वर्क था, फिर इसके बाद ही हमने क्या कर पाए, वर्क को कंप्लीट कर पाए। इतना हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, बी कैन डू इट इन 21 डेज, दे बिगिन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज, देन ए फील इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब ये क्या है, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, फिर दे बिगिन टुगेदर, फिर उन्होंने 6 दिन साथ में काम किया, फिर उसके बाद कह रहा है कि ए अगर उसको उसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर बी ने पूरा अकेले पूरा काम कंप्लीट किया जितना बचा हुआ काम, ठीक है, इन हाउ मैनी डे वॉज द वर्क कंप्लीट। अब कह रहा है कितने दिन में भैया काम कंप्लीट हो पाएगा इनका, तो चलो इनका काम कंप्लीट करते हैं, कितने दिन में डे में ये कंप्लीट कर पाते हैं, तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो पहले ए ने काम करा है, ए कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। अब कह रहा है ए काम कर रहा है 14 डे, ठीक है, अब हम इसका पहले क्या निकालेंगे, ए कैन डू अ वर्क इन 1 डे, पहले एक दिन का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/14। अब वैसे ही बी कह रहा है, बी कैन डू अ वर्क इन 21 डेज, तो क्या हो जाएगा, बी कैन डू अ वर्क इन 1 डे, अब एक दिन का निकालेंगे तो 1/21 आ जाएगा, ठीक है, ये तो करना आ गया होगा, है ना, शुरू से कर रहे हो। अब कह रहे हैं दे बिगिन टुगेदर एंड वर्क एट इट 6 डे, अब ये कह रहे हैं कि ये साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क वर्क डन टुगेदर इन 1 डे, जो 1 डे का ही किया हमने तो 1 डे का ही निकालेंगे, अगर एक दिन काम करें तो 1/14 प्लस 1/21, ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 42 आएगा, 14 से इसे डिवाइड कितना टाइम चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस इसको इसे करो तो कितना 2, कितना आ जाएगा 5/42, ठीक है। अब देखो 5/42 हमारा आ गया क्या, इन्होंने साथ में वर्क किया, ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि अगर वो काम कितने दिन कर पाए, वो सिर्फ 6 दिन ही साथ में काम कर पाए, तो इससे क्या करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दो फिर से समझो, उसने कहा कि पहले उसने ए ने 14 डे काम किया, बी ने 21 डे किया, फिर कह रहा है कि इन दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, तो हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकाला, ठीक है, फिर उसमें 6 का करेंगे अब मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 डे का हमारे पास काम आ जाएगा, ठीक है, तो किया हमने वर्क कैन डू, अब इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था 6 डे, सिर्फ साथ में किया था 6 डे, 6 से हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 × 5/42, ठीक है, तो अब इसे 6 से करो, 6 7 होता है तो कितना आ जाएगा 5/7,
अब उन्हें उन दोनों ने इतना काम किया था 6 दिन में मिलके। अब 6 दिन बाद एक की तबीयत खराब हो गई, तो काम करने के बाद कितना काम बचा? कुछ तो काम बचा है ना, तो काम जो बचे हो बचा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 से इसको माइनस कर देंगे। वर्क लेफ्ट 1 - 5/7। देखो देखो समझो, अगर देखो फिर से एक लाइन मान लो, ये एक रोड बना रहे हैं, सपोज ये दोनों लोग मिलके एक रोड बना रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों ने साथ में काम किया है यहाँ तक। अब यहाँ तक काम करने के बाद जो काम बच रहा, रिमेनिंग वर्क है ना, जो काम बच रहा है, तो वो क्या होगा, वो बी को अकेले करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे इसको, तो जो बचा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम ले लिया, 7 - 5 किया, कितना आ गया, 2/7, ठीक है 2/7। देखो देखो ये वर्क इतना बचा है, अब ये वर्क किसको करना था, बी को, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, बी कंप्लीट कंप्लीट द देखो जो भी काम बच रहा है उसको बाद में कंप्लीट कर रहा है बी। बी ने टोटल डे कितने काम किए थे, 21 डे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितने टाइम हो जाएगा, 7 3 का, तो कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये कितना आया, 6 आया। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टेकन टू फिनिश फिनिश द वर्क 6 + 6 = 12, तो ये क्या होगा, 12 days, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट, यही हमारा आंसर आया 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 16 डे एंड बी कैन डू दिस ऑफ द सेम वर्क इन 3 डे, इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो कितने दिन में ये लोग काम कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। ये फाइंड करना तो बहुत ईजी है, सिंपल है ये। तो सबसे पहले क्या करो, तो अगर देखो, अगर ये 10 है, 10 तो है, ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क, ठीक है, ऑफ अ वर्क कर देते हैं इन 16 days, ठीक है। ए वर्क कर रहा है 16 डे में, ठीक है। तो हम अगर निकालेंगे वर्क डन बाई ए इन 1 डे, ठीक है, एक दिन का वर्क निकालेंगे, अगर एक दिन में कितना वर्क करता है ये ए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वर्क डन बाई 1 डे, ठीक है, डन बाई ए इन 1 डे। 1 डे में कितना करेगा, तो 1/16, उसे करना कितना था, 2/3, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 2/3, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 2/ कितना हो जाएगा, 24। रुको क्या कर सकते हैं, इसको हम इसे कैंसिल कर सकते हैं ना, तो करेंगे तो कितना जाएगा, 8 + 8 = 24, तो 1/24, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो 1/24 आ गया हमारा ए का। अब ऐसे ही निकालेंगे बी का, बी कैन डू कितना था बी वाला हमारा, 1/4, ठीक है। तो लिखेंगे 1/4 ऑफ अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन 3 डेज, ओके। अब कह रहा है अगर ये 3 दिन में इतना काम कर रहा है, तो हमें कितना, 1 दिन का निकालना है, तो निकालेंगे वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 1 डे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3, और कितना दिया था, 1 × 1/4, तो हम कितना कर देंगे, 1/12। अब कहा है कि इन दोनों ने अगर साथ में काम किया है, यहां लिखा है ए एंड बी वर्क टुगेदर, इक्वल्स टू 1/24 प्लस 1/12, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा,
वन प्लस टू कितना होगा हमारे पास, थ्री, थ्री बाई 24, थ्री एट जा वन बाई एट, ठीक है। तो वन बाई एट आया हमारा कितना, वन डे का हमने फाइंड कन्वर्ट कर दिया था पहले, तो हम सीधा सिंपल से निकालेंगे, क्या करेंगे, वन डिवाइड बाई वन बाई एट कितना हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई एट बाई वन कितना आ गया, एट डे, तो एट डे हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10।